बच्चों, मैं दाबले स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी। तो हमारी बात चल रही थी बजट की, और बजट में हमारा टॉपिक चल रहा था कि बजट प्राप्तियां कितने प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की हमारी बजट प्राप्तियां होती है, एक होती है पूंजीगत प्राप्तियां, एक होती है राजस्व प्राप्तियां। तो एक प्रकार की हम पढ़ चुके हैं, राजस्व प्राप्तियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। राजस्व प्राप्तियों में आप पिछली दो वीडियो में देख सकते हैं, पहली वीडियो में कर प्राप्तियां और दूसरी वीडियो में करेतर प्राप्तियां होती है। क्लियर? तो हमारी जो करेतर प्राप्तियां होती है, ओके तो इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट शुरू हो जाता है। यहाँ पे हमारी बात आ जाती है पूंजीगत प्राप्तियां। तो पूंजीगत प्राप्तियां होती है, ठीक है। तो पूंजीगत प्राप्तियों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है देयता, पहले आप समझे कि पूंजीगत प्राप्तियां होती क्या है। तो पूंजीगत प्राप्तियां वह प्राप्तियां होती है जिससे देयता उत्पन्न होती है। तो देयता का मतलब समझे, देयता का मतलब होता है लायबिलिटी, ठीक है। देयता का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी, ठीक है। तो लायबिलिटी इससे पैदा हो जाती है सरकार के ऊपर। तो लायबिलिटी कैसे पैदा होती है, आप खुद सोचें कि आप मान लो सरकार हो, आप कहीं से उधार लेने जा रहे हो, आपने किसी से उधार लिया तो आपको भुगतान करना पड़ेगा ना। तो वो जो भुगतान करना पड़ेगा वही आपकी देयता यानी वो लायबिलिटी होती है। क्लियर है? उसके बाद हमारी बात आती है इससे परिसंपत्तियां कम होती है, ठीक है। इससे क्या होता है? परिसंपत्तियां कम होती है। परिसंपत्ति का मतलब होता है एसेट कम होती है। तो आप कहोगे सरकार की भैया कौन सी एसेट है? तो सरकार की वो एसेट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सरकार ने एक किसी को उधार दे दिया तो इससे ब्याज मिलेगा, यानी कि सरकार की एक तरह की एसेट है ना भाई, टाइम टू टाइम ब्याज मिल रहा है। पर अगर सरकार उसकी वसूली कर ले तो क्या हो जाएगा? ब्याज खत्म हो जाएगा। तो यानी कि इससे जब उसने वसूली कर ली यानी परिसंपत्ति कम हो गई, जब परिसंपत्ति कम हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी क्या बन गई? पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। तो पूंजीगत प्राप्तियों को बांटा गया है तीन भागों में। कितने भागों में? तीन भागों में। तो पहला भाग आता है ऋणों की वसूली, रिकवरी ऑफ लोन। तो सबसे पहले समझे कि रिकवरी किससे की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी केंद्रीय सरकार होती है वो राज्य सरकारों से, ठीक है, फोकस कर ले भैया, केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों से अल्पकालीन ऋण लेती है, ठीक है। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को ऋण देती है, ठीक है, अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन का मतलब होता है एक साल से कम के लिए, ठीक है। और इससे क्या होता है, इन ऋणों की वसूली जब सरकार करती है तो इससे परिसंपत्तियां कम हो जाती है। तो हमारी बात आ जाती है ऋणों की वसूली। क्लियर? तो यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा होगा परिसंपत्तियां कम हो जाती है। तो ये तो हमारा पूंजीगत की डेफिनेशन थी, इसमें ये कहा गया था भी परिसंपत्तियां कम हो जाती है। तो जब हमारी परिसंपत्तियां कम हो जाती है तो उसे ही हम पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। इसलिए से क्या कहा जाता है, पहला पॉइंट ऋणों की वसूली, दूसरा पॉइंट आता है उधार तथा अन्य देता है। सरकार को भी उधार की जरूरत पड़ती है बच्चों। तो सरकार को उधार की जरूरत पड़ती है तो सरकार कहाँ कहाँ से पैसा लेती है? सरकार तीन जगह से पैसा ले सकती है, सामान्य जनता, भारतीय रिजर्व बैंक और शेष मिश्र। क्लियर? तीन जगह से पैसा मिल जाएगा। अब बात आती है इन पैसे लेने से सरकार के ऊपर उत्पन्न क्या हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से पैसा लूं तो मेरे को वापस देने की परेशानी हो जाएगी ना, तो उसे को क्या कहेंगे? देयता। तो इससे सरकार पर देयता उत्पन्न हो जाती है। तो यानी कि हमारे यहाँ पहला पॉइंट काम करने लगता है। क्या था पहला पॉइंट? देयता उत्पन्न हो जाती है। तो यानी कि ये भी सरकार की किस कैटेगरी में आ गया? पूंजीगत प्राप्तियों। नेक्स्ट आ गया आपका अन्य प्राप्तियां। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक नंबर या दो नंबर का क्वेश्चन फंसता है विनिवेश के ऊपर। सबसे पहले समझे कि अन्य प्राप्तियां क्या होती है। सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो कि अन्य स्रोतों से हो, तो अन्य स्रोत में यहाँ पे लिया जाता है विनिवेश। विनिवेश का क्या मतलब है, सरकार की अपनी कुछ एसेट्स होती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा रेलवे, जैसे मैंने कहा बिजली विभाग, ठीक है। तो उन एसेट्स में जब कोई नुकसान चलने लगता है तो उस सरकार उसे बेच देती है प्राइवेट क्षेत्रों को, या फिर हम कह सकते हैं कि सरकार उसका कुछ हिस्सा प्राइवेट को बेच देती है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने कहा भाई एक कंपनी 100% की है, तो कंपनी को जब नुकसान होने लगेगा, वो गवर्नमेंट की कंपनी है, तो गवर्नमेंट की कंपनी क्या करेगी, 51 प्राइवेट को बेच देगी और 49 अपने पास, ठीक है। इससे क्या होगा, सब सारा देखना सब कुछ करना इनके हाथ में, पर इनकी भी रोक टोक जो है वो लगी रहेगी। या 100% भी प्राइवेट को बेचा जा सकता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, विनिवेश। तो लिखने वाली लैंग्वेज क्या लिखोगे कि जब सरकार को किसी उद्यम से लगातार हानि होने लगती है तो वह निजी क्षेत्रों को बेच दिया जाता है, तो इसे विनिवेश कहा जाता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट हमारे तीनों पॉइंट मिलकर क्या बनाते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां। एग्जाम का क्वेश्चन कैसे बनता है, पूंजीगत प्राप्तियां किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, या क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है कि पूंजीगत प्राप्तियों के कुछ उदाहरण बताओ। क्लियर? समझ रहे हो क्वेश्चन किस किस टाइप के। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि उधार तथा अन्य देता है सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां कैसे हैं, स्पष्ट करो। तो इसमें क्या याद रखना है कि इसमें क्या पैदा हो जाता है, देयता पैदा हो जाती है, इसलिए। क्लियर? समझ आई बात। तो जिन्हें वीडियो पसंद आई लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करना जरूर याद रखें। धन्यवाद।